नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर वो एक मिनिस्टर है भाई, उसके हाथ में सत्ता है। मिनिस्टर है तो क्या हुआ, कुछ भी कर लेगा, करके तो दिखा दिया ना। देखिए भाई, आपने सिग्नल के पास जिसे मारा उसका और उस मिनिस्टर का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही उस मिनिस्टर का और आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी उस मिनिस्टर ने उस आदमी की साइड ली है ना। वही तो, एक गुनहगार को मारने पर उसकी रिएक्शन इतनी जल्दी मिनिस्टर के लेवल तक आ गई। वो एक अच्छे काम के लिए कोशिश की थी, कोई भी तीन लोगों की मदद करने के लिए, एक नहीं दो नहीं पूरे 20 दिन वेट किया, एक भी नहीं, एक भी आदमी आगे नहीं आया। कैसी दुनिया ये। एक्सक्यूज मी सर, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। देखिए, ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स में समटाइम्स किडनी का या लीवर का इन्फेक्शन होने का चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी माँ की दोनों किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर तो आप कैसे। बोथ द किडनीज हैव टू बी ट्रांसप्लांटेड। यानी किडनीज को बदलना होगा सर। यस, आप लोगों में से कोई अगर डोनर आगे आता है तो। डॉक्टर, मेरी किडनी मैच हो जाएगी, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, मेरा भी टेस्ट कीजिए डॉक्टर। जरूर। चिंता की कोई बात नहीं है, किडनी ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। ओके। जी हाँ सर, थैंक यू। माँ, तूने बेटे होने का फर्ज निभाया ना अपनी किडनी देकर। आपको किडनी मैंने नहीं दी माँ। मतलब हाँ माँ, आपके पेट से जन्मे हम दोनों की किडनी आपसे मैच नहीं हुई माँ। कहीं दूर पले बड़े तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला, जिसने आपके मुंह से छी छी सुनी थी, उनकी किडनी आपको सूट हुई। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू मुझे बता, किसी से माफी मांगनी हो तो पंजाबी में क्या कहते हैं? दामाद जी से पूछकर बताना। आजा बेटी। कितना प्यारा है, एकदम इस पर ही गया है ना। ये लीजिए। आज मैं रिटायर होने वाला हूँ ये जानते हुए भी तुम में से कोई ऑफिस क्यों नहीं आया। सुबह से घर में सभी दुखी थे पापा, इसलिए कोई ऑफिस नहीं आए। अच्छा, मैंने पूरी सर्विस तुम्हारे रिक्शे में ही काटी है। ठीक है साहब। मेरी सर्विस की शुरुआत में तुम एक कुंवारे लड़के थे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सर, ऑटो शेयर, ऑटो कॉल, टैक्सी कई नई नई आई हैं, लेकिन आप रोज मेरे ही रिक्शे में ऑफिस जाया करते थे। आपके दिए हुए पैसों से ही मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हुआ। कल से रिक्शा किसके लिए चलाऊंगा, चलता हूँ साहब। रुको बाप जी, वो जरा बैग देना। मेरी ऑफिस में 30 साल काम करके रिटायर होने पर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। तुम भी तो मेरे पास 30 साल से काम कर रहे हो ना, रिटायरमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसी ही होती। बाप जी ये पैसे रखो और फाइनेंस लेके ऑटो ले लो। लो रखो। सर, इतना सारा पैसा। कोई बात नहीं, रख लो। आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा सर। ये बोलकर तुम हमारे बीच के रिश्ते को खत्म मत करो। अगर हो सके तो कोई टीम की मदद करो और उन तीनों से कहो कि वो भी किसी टीम की मदद करे। ठीक है साहब। क्यों बेटी, सही कहा ना। राज
राजनीति में आपके बाल सफेद हो गए हैं, तो स्टालिन की बात पर डर क्यों रहे हो? मैंने 20 लोगों को भेजने के लिए कहा था, भेजा तो मार खाकर लौटे हैं सब लोग। पापा, पार्टी के लोग काफी देर से हॉल में वेट कर रहे हैं। जाकर दरिया में डूब मरने को कहो सबको। मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगा, वहां उस स्टालिन की कही हुई एक एक बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं। वो स्टालिन क्या कम था कि अभी वेंकट भी तैयार हो गया, पैर के सेप्टिक जैसे सबको परेशान कर दिया है। जाकर एक डोज दे दो उसे। मार डालूंगा उसे तो। कहाँ है रे वेंकट राव, कहाँ है वो? नमस्ते सर। क्या रे, कल तो एक्स पार्टी के लोगों के साथ था, क्या राजनीति रची जा रही है? वो ऑपोजिशन पार्टी में चाचा के बेटे हैं, कोई राजनीति की बात नहीं, घर की बातें चल रही थी। एक लगाऊंगा ना, झूठ इलेक्शन के समय बोलते हैं, सत्ता मिलने के बाद नहीं। सच सच बोल, पार्टी बदलना चाहता है ना तू? नहीं सर। मुझसे झूठ मत बोल कमीने। सच बोलने पर भी मारते क्यों है सर? ऊंची आवाज में बात करता है। और नहीं तो क्या, परसों स्टालिन यही आपको धमकी देकर गया, उसका क्या कर लिया? चुप कर यार। ए, छोड़ यार, कमजोरों पर दादागिरी मत करो, पहले उसे मारो फिर मुझे बोलना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ए, चल हट, जाने दे, खाली बिल्टअप दे रहा है बिल्टअप। ये बात इसने नहीं कही, वो स्टालिन कह रहा है ऐसा लग रहा है। ये एक बीमारी के जैसे सबको होकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले ही उसे रोकना पड़ेगा। उस स्टालिन की फैमिली को जाकर उड़ा दे। जीजा जी, उड़ा दे। जीजा जी, उसने कहा था कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे खत्म करना और उसके बाद मेरे परिवार को हाथ लगाना। मैं पैदा ही नहीं हुआ, एक माँ और एक बाप को पैदा ही नहीं हुआ मैं। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं पैदा ही नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। ए, इधर आओ। उसकी फैमिली में से किसी एक को मार ही दो। आउट हो गया, आउट हो गया, अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे। हाँ, उनको दीजिए। अभी इतना शर्मा मत, अभी सिर्फ मंगनी हो रही है तेरी। अरे फोटो खींच रहे हैं, आखिरी बार खुल के हंस तो ले। हेलो। ए छोटू, मैं चित्रा बोल रही हूँ, घर में ताला लगा है, सब लोग कहाँ पर गए हैं? हम सब लोग यहाँ श्रीधर फंक्शन हॉल में हैं। मामा जी की आज मंगनी है ना? मामा जी की मंगनी है, इसका मतलब भी तुझे पता है? अरे पता है, वही ना जो शादी से पहले होता है। तू फोन कट करेगी तो मैं गेम खेलूंगा। यहाँ मेरी जिंदगी गेम बनकर रह गई है। अपनी माँ को फोन दे। माँ, चित्रा बात करना चाहती है। हेलो, क्या हो रहा है वहाँ पर? मंगनी हो रही है। मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता। सडनली फिक्स हुआ, उसकी भी तो उम्र ज्यादा हो रही थी ना, सब कुछ जल्दी हो गया इसलिए नहीं बता पाई। इतने लोगों को देखा, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। चित्रा, अगर तुम्हारे मन में ऐसा था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, अब तो काफी देर हो गई है। पहले उनको फोन दो। देती हूँ। गोपी, तेरे लिए चित्रा का फोन है। अरे रुको ना। गोपी, चित्रा का फोन है। क्या हुआ? चित्रा, गोपी के लिए। हेलो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्या? मैं ये मंगनी होने ही नहीं दूंगी। क्यों? जानकर भी अनजान बन रहे हो। रुको, मैं अभी आती हूँ वहाँ पर, तुम सबका क्या हाल होगा देखना। ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ, यही रुको। ये रहे पैसे। मैडम जुट्टा, बैलेंस तुम ही रख लो। मीटर का ऊपर नहीं लेते मैडम। इधर देना। नहीं भाई, काफी शर्मिला है, देखो। रुक जाओ, ये मंगनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं आपको प्यार करती हूँ क्या आपको नहीं पता? इस लड़की से शादी करने के लिए मान भी कैसे गए? तुम अगर इतना प्यार करती थी तो डायरेक्ट आकर बात करनी चाहिए थी। ओके, मैंने डायरेक्ट आकर नहीं कहा, तो क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते? सही कहा। देख क्या रहे, अब जवाब देना इसे। वो क्या जवाब देगा, आप दो। तो तुम इससे प्यार करती हो ना? माफ कीजिए, होने वाले पति के बारे में कुछ बुरा बोलेंगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मतलब आपकी मंगनी इनके साथ? अब मुझे समझ में आया। मुझे भी अब समझ में आया है।
तुम्हारे घर वालों से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ बेटी, जल्दी इनकी शादी करवा दो, मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी। ठीक है माँ। ओके।